हे गाइस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग स्क्रीन पे इस भाई की वीडियो देख सकते हो, इस भाई को किस तरह बेरहमी से मार रहे। इस भाई का नाम है रियाज अहमद और पेशे से ये एक ड्राइवर है। आप लोग देख रहे हो किस तरह एक ड्राइवर को मार रहे। इस ड्राइवर का कहना है कि ये मालिक मुझे पगार नहीं दे रहा था, मतलब मेरी सैलरी नहीं दे रहा था। आज इस ड्राइवर ने इस मालिक से कहा था कि प्लीज मुझे सैलरी दे दो, मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई भी सैलरी यहाँ से नहीं ली। फिर इसके मालिक ने रियाज अहमद को स्कॉर्पियो में बिठाया और एक कमरे में ले आया। कमरे में लेने के बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरह इस बेचारे को पीट रहे, किस तरह हमारे एक ड्राइवर भाई को पीट रहे है, वो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ड्राइवर नहीं हूँ फिर भी हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो ड्राइवरों की मदद से ही चलता है। अगर ड्राइवर्स हमारे देश में नहीं होंगे, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दिन के लिए ठप हो जाएगा तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। आज ये एक ड्राइवर के साथ हुआ, कल ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आप सबको मैं बता दूं, ये वाका जम्मू के नारवाल इलाके में आया है। मैं यहाँ पे हाई अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस मामले के तहत तक जाओ और इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह एक ड्राइवर को पीटा जा रहा है और दूसरा बंदा इसको वीडियो बना रहा है, इसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि बंदा जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है, ये अपनी पगार मांग रहा है, पगार के बदले इसको पीटा जा रहा है। यही हमारे देश में आजकल चल रहा है, यही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, चाहे आप एक ड्राइवर हो या ना। बट प्लीज अगर आप इस वीडियो को जरा सा भी शेयर कर लोगे, आपका एक शेयर इस रियाज अहमद भाई को इंसाफ दे सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।